सत श्री अकाल, स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। पंजाब का सब तो महंगा टोल प्लाजा आज यानी शुक्रवार को एक बार फिर बंद हो गया। इस टोल प्लाजा तो एक दिन 70,000 तो वध वाहन लंघते हैं। इस टोल प्लाजा की रोजाना कमाई 70 लाख रुपए के करीब है। टोल प्लाजा सवेर तो ही बंद हो गया, इसलिए लोगों को उतो लंघन लिए कुछ भी नहीं देना पै रहा। फैसला टोल प्लाजा वर्कर यूनियन पंजाब के अधिकारियों की मीटिंग च लिया गया। मीटिंग की प्रधानगी करदिया पंजाब प्रधान दर्शन सिंह लाडी ने कहा कि लंबे समय तो वर्करा दी मंगां पूरा नहीं किया जा रहा, जिस कारण असी यह फैसला लिया। पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ ने अहुदे तों इस्तीफा देता। जाखड़ नूं अजे साल कु पहला ही जिम्मेवारी सौंपी गई सी। जाखड़ के इस्तीफे नाल भाजपा पंचायत चोणां तों एन पहला प्रधान भी होनी होगी है। जाखड़ ने अगले सूत्रां ते भाजपा की पंजाब इकाई ते राष्ट्रीय जथेबंदी विचले सूत्रां ने भी जाखड़ वल्लों इस्तीफा देने की पुष्टि की है। जाखड़ पंचायती चोणां बारे रणनीति घड़न ते विचार चर्चा लई सद्दी पार्टी की अहम बैठक चो भी अज गैर हाजिर रहे ने। सूत्रां मुताबिक पंजाब भाजपा के सीनियर अहुदेदार ने अज की बैठक में शमूलियत संबंधी जाखड़ नूं फोन किया तो उन्होंने कहा कि उह ना अज ते ना ही भविख विच पार्टी दे प्रदेश प्रधान वजो किसी मीटिंग में शामिल। केंद्र सरकार ने परिवर्तनशील महंगाई भत्ते च सोध करके गैर संगठित खेत्र के मजदूरों की मजदूरी दे विच वाधा किया। इसका टीचा मजदूरों को रोजी रोटी की वाधी लागत नजिठण च मदद कर। नवी मजदूरी दरां 1 अक्टूबर 2024 तो लागू होणगे। पिछली सोध 1 अप्रैल 2024 की गई। इस सोध तो बाद भूगोलिक खेत्र निर्माण झाड़ू लाउण सफाई करन लोडिंग अनलोडिंग च लगे अनस्किल्ड मजदूरों की घट्टो घट मजदूरी दर 783 रुपए रोजाना, सैमी स्किल्ड मजदूरों 868 रुपए रोजाना प्रति महीना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर के नाल अर्का ते अरुणिका नाम के उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च किए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि तकनालोजी इस तरीके सुधारा जाना चाहिए कि यह गरीबों शक्ति प्रदान करे ते लोगों की जिंदगी आसान बनाए। उन्होंने कहा कि वड्डियां प्राप्तियां हासिल करने लिए वड्डा नजरिया होना जरूरी। उन्होंने इस दिन विज्ञान ते तकनालोजी के खेत्र में वड्डी प्राप्ति दसिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने सरकार ने निश्चित किया कि आम आदमी को तकनालोजी में खोज का लाभ मिलना चाहिए। शिवखोरी अतवादी हमले के मामले च राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कई थावां ते तेजी नाल छापेमारी की है। राजौरी ते रियासी च कुल 7 थावां ते तलाशी शुरू की गई। अधिकारियों ने दस्सिया कि शिवखोरी अतवादी हमले के मामले च एनआईए दी कई टीमां सवेर तो ही राजौरी ते सियासी रेलियां दे विच तलाशी लै रही ने। दस्सिया कि तलाश जारी है। तीज एनआईए ने राजौरी विच हाइब्रिड अतवादियों ते उन्हां दे ओवरग्राउंड वर्करां नाल जुड़े 5 ठिकाणियां ते तलाशी ली। सुप्रीम कोर्ट पंजाब के साबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी बलवंत सिंह राजवाणा की मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने संबंधी मामले से मुड़ सुनवाई लिए तैयार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 महीने पहले उसकी सजा को घट करने से इनकार कर दिया। जस्टिस बी आर गवई की अगवाई वाले बेंच ने केंद्र से पंजाब सरकार को राजवाणा की नवी पटीशन से नोटिस जारी करके जवाब मांगा। राजवाणा ने 25 मार्च 2012 को रहम की अपील दाखिल की, इसके हाल तक केंद्र उसते फैसला नहीं ले सके। पंजाबी यूनिवर्सिटी के खेड विभाग के पखाने नशेड़िया का अड्डा बन चुके ने। यूनिवर्सिटी के खेड विभाग के पखानिया चो चरस गांजा आदि नशे करने लिए वरते जाते कागज़ दी डब्बियां टीकियां की खाली शीशियां वरतिया हुई सरिंजा सिगरट दी डब्बियां मिली। इस दे नाल ही सवाल भी पैदा हो रहा है कि नशे करने वाले खिडारी ने यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ने जां कोई बाहरी तत् ने। खास गल है कि जिस थां ते वरतिया हुआ समान पिया सी उह थां डायरैक्टर स्पोर्ट्स दफ्तर तो केवल 100 मीटर के दायरे में। पाकिस्तान में सियासी अराजकता को लेकर नवाज शरीफ की धी मरियम नवाज का दर्द छलक उठा। पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम ने मुल्क के हालात से चिंता जाहिर करते कहा है कि उसने खुद नहीं पता कि वह कितने समय तक मुख्यमंत्री रह सकेगी। फैजलाबाद के भी समागम को संबोधन करते मरियम ने कहा कि वख-वख देशों के राजदूत भी पाकिस्तान में सियासी अस्थिरता देख के चिंता प्रगटा रहे हैं। चीनी राजदूत जियांग जेडांग ने लाहौर च नवाज से मरियम नाल मुलाकात की। एक दिन पहला पाकिस्तान च अमरीकी राजदूत डोनल्ड ब्लॉम ने दोवां नाल मुलाकात की, मुल्क में चल रहे सियासी हालात बारे चर्चा। इस दौरान नवाज शरीफ ने उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल कोई नहीं गल। कांग्रेसी आगू राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरदे दोष लाया कि उन्हें देश में योजनाबद्ध ढंग से रोजगार प्रबंधों खत्म कर दिया। असम च चोन रैली को संबोधन करते राहुल ने भरोसा जताया कि 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चोणों कांग्रेस हूंजा फिर जित दर्ज करेगी। उन्हें जाति जनगणना का मुद्दा भी चुकया तो भाजपा के लोगों को वंडन का दोष लाया। रैली च कांग्रेस संसद मैंबर कुमारी शैलजा, हरियाणा के साबका मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश प्रधान उदयपाल सिंह समेत होर आगू हाजिर।
राजीव गांधी नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटियाला विद्यार्थियों नाल कथित बदसलूकी मामले च कुलपति नूं फारग कराउण लई प्रदर्शन अज पंजवें दिन भी जारी रहा। दूजे पासे लंघे दिन यूनिवर्सिटी विच विद्यार्थियों ते उप कुलपति का पक्ष लैणा है। पंजाब राज महिला कमिश्नर की चेयरपर्सन राजलाली गिल ने राष्ट्रपति नूं पत्र लिखे उप कुलपति नूं सौदे तों हटाउण की मांग की, जिस नाल विद्यार्थियों के संघर्ष नूं बल मिलिया। विद्यार्थी आगुआं ने कहा कि अज पंजवें दिन उन्हां नाल प्रबंधकां ने मीटिंगां कीतीआं पर मसले का हल नहीं होया। विद्यार्थी उप कुलपति नूं हटाउण की मांग ते डटे हुए। फिलहाल स्पीड न्यूज़ में बस इतना ही। मैनू दिओ इजाजत। धन्यवाद।